सत श्री अकाल जी, इंडिया न्यूज़ पंजाब दे डिजिटल प्लेटफॉर्म ते तुहाडा स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल तमन्ना अरोड़ा। कि तुसी जानदे हो कि तुसी रिटायरमेंट तो बाद भी अपना पीएफ दा पैसा कढ़वा सकदे हो? जी हाँ, तुसी अपना 100% पैसा पीएफ दा रिटायरमेंट तो बाद भी ले सकदे हो। कि कुछ स्टैप्स ने वो मैं अज तुहानू दसांगी। दरअसल सेवा मुक्ति कर्मचारी सेवा मुक्ति तो बाद जो कर्मचारी भविख निधि संगठन के जमा किए गए पैसे का 100% वापस लिया जा सकता है। ये फंड संगठित खेत्र काम करने वाले लोगों को समाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। कर्मचारी भविख निधि संगठन के देश भर के करोड़ा खाता धारक ने जो कि अपनी तनखा का एक हिस्सा पीएफ के जमा करवाते हैं। तो रिटायरमेंट तो अलावा तुसी एमरजेंसी की स्थिति के भी अपना पीएफ का पैसा वापस कटवा सकते हो। एमरजेंसी की स्थिति यानी जेकर तुहानू जॉब तो बाहर कट दिता जाता है या फिर थोड़े बच्चे की स्कूल फीस जानी है या फिर थोड़े बच्चे का विआह है, सो इस तरीके दियाँ एमरजेंसी सिचुएशन के अपना पीएफ का पैसा जोड़ा वो वापस ले सकते हो। तो आओ जानते हैं कि कड़िया स्थितियों के ईपीएफओ जमा पैसे वापस कटवा सकते हो। जे थोड़ी नौकरी चली गई तो पीएफ के पैसे जमा करवा सकते हो। एक महीने तक नौकरी ना मिलन की सूरत खाते के जमा राशि का 75% तक जड़ा कटवाया जा सकता। तो 2 महीने पूरे होने 100% रकम कटवाई जा सकती है। जे थोड़े बच्चों की पढ़ाई जां विआह या इस तरीके का कोई भी खर्चा है, जेकर तुसी किसी एमरजेंसी दे विच हो तो तुसी अपना पैसा कटवा सकते हो। एक अपाहज व्यक्ति अपने लिए जड़ा जमीन जां कोई उपकरण खरीदने के लिए भी प्रधानमंत्री तो पैसे कटवा सकता है। इस तो अलावा जड़ा खाता धारक मेडिकल एमरजेंसी की स्थिति दे विच पीएफ खाते तो पैसा कटवा सकते हैं। तो इस दे विच जड़ा तुसी भी हर 6 महीने तक बेसिक सैलरी कटवा सकते हो। इस तो अलावा पीएफ खाता धारक होम लोन या मुरम्मत कर या जमीन या मकान की अदायगी करने के लिए भी पीएफ का जो पैसा वो जमा करते हैं वो कटवाया जा सकता है। तो खास तौर पर एमरजेंसी सिचुएशन होंगे ने जड़िया एमरजेंसी सिचुएशन के 100% अपना पीएफ का पैसा कटवा सकते हो। इस तरीके दिया इनफॉर्मेशनल वीडियोज़ देखने के लिए तुम जुड़े रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब के नाल। धन्यवाद।